देश के 140 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। एक भी व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता है, सुख दुख गांव गरीब के लोग, एक आदमी, ये तो क्या सोना का चम्मच लेके आने वाला क्या बात करेगा, गरीब का बात करेगा? आज उनके पिताजी चूड़ी बेचने के लिए आया था, आज अरबों रुपया कमा लिया, कहाँ से कमाया है ये बात करे, इसका जवाब। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का समर्थन करते हुए कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। चास में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता मनोज राय तथा यूथ इंटर के कन्हैया पांडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान मंच पर भाजपा के चंदन क्यारी विधायक सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, बोकारो विधायक बिरंची नारायण भी उपस्थित रहे। इस दौरान मंच से प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने पार्टी में शामिल होने आए युवकों का स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। अपने संबोधन में ढुल्लू महतो ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या आज मोदी जी पर विश्वास करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को वंशवाद से मुक्ति दिलाना है तो लोगों को आगे आना होगा और साथ देना होगा ताकि देश का विकास हो सके। सकते कि बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज युवा जो बहुत लंबे समय से भटका हुआ था, जो हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे मनोज राय जी, हमारे जुझारू नेता युवा नेता कन्हैया पांडे जी जो इंटेक युवा के सचिव थे बोकारो जिला के, अपने अजीत गोप जी, जो हजारों की संख्या में लोग आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि मोदी जी के आज 140 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि मोदी जी के साथ देना है और देश को आगे बढ़ाना है। देश के मजबूती के लिए निश्चित तौर पर आज जो निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है और मैं और लोगों से अपील करना चाहेंगे वंशवाद से मुक्त पाने के लिए देश को भारतीय जनता पार्टी के साथ दे और मोदी जी को हाथ को मजबूत करें। निश्चित तौर पर आज जिस जगह पर मैं घूम रहा हूँ, जिस जगह पर जा रहा हूँ, वहाँ पर अपने भाई बेटा के रूप में हमें आशीर्वाद और सहयोग दे रहा है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अपने त्याग तपस्या के बलिदान के साथ साथ मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी आधा अधूरा काम बाकी है हम तीनों भाई मिलकर इस क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक भी उस तरह का गंभीर समस्या, जन समस्या, हम लोग एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेंगे और निदान करने का प्रयास करेंगे। बाघ हमारा क्षेत्र से लगातार मैं 3 बार विधायक हूँ, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हम पर किसी तरह का राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद भी आरोप लगा सकता है, मगर मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार समाज के बीच में हर सुख दुख में खड़ा रहता है, उसी का परिणाम है और उसी का आज दृश्य देखने को मिल रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और लोगों मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करते हुए लोग आज दूसरे दल छोड़कर हजारों की संख्या में लोग आज ज्वाइन किए, इसके लिए मैं पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ।